हेलो चिल्ड्रन, टॉपिक था वो था हमारा एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सब्ट्रैक्ट 4a + 5b - 3c फ्रॉम 6a - 3b + c। इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉम क्या है। फ्रॉम मतलब इस नंबर को इससे माइनस करना है। तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट के सम में ध्यान रखना है। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये वाला जो हमारा है ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक पूरा एक्सप्रेशन है। तो इसको माइनस करने के लिए हमें फर्स्ट इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम है तो ये पहले ऊपर आएगा, मतलब ये वाला जो हमारा है बड़ा नंबर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर दूसरा जो है हमारा नंबर क्या है, 4a, एक्सप्रेशन जो हमारा है 4a + 5b - 3c। हर टर्म के नीचे सेम टर्म, सेम लाइक टर्म्स आएंगे, आप उसको डिफर नहीं कर सकते हो। ए के नीचे ए वाला टर्म, बी के नीचे बी का टर्म, सी के नीचे सी का टर्म। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो नीचे वाली टर्म है इसमें प्लस है, यहाँ हम हमेशा ये माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं। मतलब ये जो टर्म है, ये वाला हमारा पूरा जो टर्म है, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो नीचे वाला टर्म है उसके सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो अब सी प्लस 3c करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस 4c, -3b और -5b। माइनस माइनस मतलब आपको ऐड करना है, 5 + 3 इज 8b। अब 6a - 4a, और 6 बड़ा है उसका प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2a। तो ये हमारा सम हो गया। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फ्रॉम का ध्यान रखना है, ये जो टर्म है इसे ऊपर लिखना है, फिर नीचे वाली जो टर्म है दूसरी वाली उसको, उसके सारे साइन चेंज करने, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने लिखा है ये गलत नहीं हो, पूरा जो एक्सप्रेशन है हर लाइक टर्म के नीचे आया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और ये हमारा आंसर आ गया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² - 6x - 4। तो इसमें भी यही करना है कि ये जो सेकेंड वाला है फ्रॉम, फ्रॉम तो इससे हमें करना है। और एक और इसमें इन्होंने उल्टी तरीके से लिखा है, मतलब हमें 5 + x - 2x² लिखा है, पर हमेशा जिसका पावर ज़्यादा है, x का पावर ज़्यादा है 2 है, तो हम इस एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, फिर ये नए सेकेंड नंबर पे ही आएगा, फिर 5 थर्ड नंबर पे आएगा। पर हमेशा जब कॉपी करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी होगा, विथ साइन, विथ पावर, विथ वेरिएबल, विथ कोफिशियंट, सभी चीज़ों को हम एक साथ कॉपी करेंगे। तो हमने ये कॉपी करा, -2x² + x + 5। अब जो बाद वाला सा नंबर है वो हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x² - 6x, सेम लाइक टर्म्स के नीचे -4। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, साइन चेंज, नीचे वाले का माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, 5 + 4 यू गेट +9। साइन हमारा साथ के साथ चलता जाएगा, आप ये बहुत ज़रूरी से ध्यान रखें, ये 7x, फिर -2 एंड -3 दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा -5x². तो ये हमारा आंसर आ गया। हमेशा हम इस तरीके से ही आंसर लिखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग ज्ञानवी जीजे चैनल।